नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। दोस्तों, आज DRDO के तरफ से फिर से एक धमाकेदार खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है DRDO के द्वारा की गई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल या NGARM के टेस्ट को लेके। पिछले तकरीबन एक महीने के अंदर ये DRDO का 8वां मिसाइल टेस्ट है, और सारे के सारे टेस्ट में DRDO ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। और इसी महीने DRDO कुछ और टेस्ट को अंजाम देने वाला है, जिनमें निर्भय का एक फाइनल इंडक्शन टेस्ट भी शामिल है, जिसे ऑलरेडी लिमिटेड नंबर्स में भारत चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज टेस्ट की गई रुद्रम एंटी मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटीज़ और इस टेस्ट के सफल होने के बाद भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ किस तरह का एडवांटेज मिलेगा इत्यादि को जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पर भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, DRDO हम सबके लिए एक के बाद एक धमाकेदार खबर लेके आ रहा है। अगर हम पिछले 30 दिनों की ही बात करें तो पहले ATGM का टेस्ट, उसके बाद पृथ्वी, फिर से ATGM, ब्राह्मोस ER, शौर्य, स्मार्ट और अब रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट। इन सब के अलावा DRDO इसी महीने कुछ और टेस्ट को भी करने वाला है, जिनकी जानकारी हम आपको वक्त आने पर देते रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह से चाइना और भारत के बीच सीमा पे विवाद कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे में इन सब टेस्ट को करने का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम और कुछ नहीं हो सकता था। अगर आप हमारे हर वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अब तक पता ही होगा कि भारत ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में चाइना के खिलाफ तैनात कर चुका है। और कुछ ही दिनों पहले टेस्ट की गई न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल को भी सेना में इंडक्ट कर लिया गया है, और इसे भी चाइना के खिलाफ तैनात कर दिया गया है। पर आज जो टेस्ट किया गया है उसका भी काफ़ी बड़ा महत्व है, क्योंकि ये दुश्मन देश के ग्राउंड पर तैनात सर्वेलेंस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज DRDO ने ईस्ट कोस्ट रीजन से रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट किया है। इस मिसाइल को DRDO द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। इस मिसाइल को प्राइमरीली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जिसे सीड भी कहते हैं, के लिए बनाया गया है, जिसे कि अलग अलग रेंज और एल्टीट्यूड से दुश्मन देश के सर्वेलेंस रेडार्स, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम पे वार किया जा सकता है। रुद्रम इंडियन एयरफोर्स का एक हाई स्पीड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी तरह का पहला मिसाइल है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज इंजन का इस्तेमाल करता है, और इसकी लंबाई तकरीबन 5.5 मीटर है, और इसका वजन 140 किलोग्राम तक है। अस्त्र मिसाइल की ही तरह इस मिसाइल में भी क्रूसीफॉर्म विंग्स लगे हुए हैं, जिससे कि इसकी मैनोवरेबिलिटी और एरोडायनामिक कैरेक्टर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी के साथ प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल होता है, और इसमें डुअल पल्स्ड सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है, जिसे प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने बनाया है। ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट की मदद से इस मिसाइल का ओवरऑल रिएक्शन टाइम को कम किया जा सकता है, और साथ ही इसका टारगेटिंग एनवलप और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो यह मिसाइल मिड कोर्स में नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम के द्वारा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और पैसिव होमिंग का इस्तेमाल करता है, और टर्मिनल स्टेज में मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी 10 मीटर तक बताई जा रही है। ब्राह्मोस के बाद यह मिसाइल DRDO द्वारा डेवलप किया गया पहला एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, और इसकी स्ट्राइक रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को सुखोई के अलावा इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अन्य एयरक्राफ्ट जैसे कि मिराज 2000, जैगवार, तेजस और तेजस मार्क 2 में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और फिलहाल इसे सुखोई से टेस्ट किया जा रहा है, जो कि संख्या के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर जेट है। चाइना के साथ लगातार बढ़ते हुए गतिरोध के बीच भारत एक के बाद एक स्वदेशी तौर पर बने स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल का परीक्षण करके उसमें भी स्मार्ट जैसे मिसाइल सिस्टम्स, जिसकी जितनी रेंज को कोई दूसरे देश हासिल नहीं कर सका है, चाइना को ये संदेश पहुंचा रहा है कि भारत अपनी जगह पर डटा रहेगा, और अगर चाइना बातों से नहीं माना तो उसको किसी भी हाल में पीछे खदेड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।